बना लेती हूँ भाई, देखो नहीं मेरी वीडियो नहीं बना सकते, आपके बारे को पता नहीं होता, इसलिए इसलिए अपना काम स्वयं करो और जल्दी कर लो। ये लोग निकल के आगे और ये लोग भी जा रहे हैं और हम लोग भी, ये देखिए जी जा रहे हैं ऐसा है जी। तो फाइनली हम पहुंच ही गए इधर भी, क्यों शानू? हाँ। शानू और मिट्टू की जिद के कारण हम यहाँ पहुंच गए। बोले कि आप लोग तो जमीनों के चक्कर में रह जाओगे, हमें बोला घुमाया भी नहीं कहीं भी, क्या तो आज तुम्हें अजूबा दिखाते हैं। हम घूमने के लिए आए थे, वरना हम आते भी नहीं। हाँ जी, तो देखो इनको गुरुद्वारा दिखा रहे हैं, हैं भाई मिट्टू? और मैं इधर फोटो भी खींचूंगी, इधर खड़े होके पूरा। ठीक है, तो फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं आनंदपुर साहिब और अब बच्चों को दिखाएंगे गुरुद्वारा, साथ में अजूबा। हम लोग सभी पहली बार ही आ रहे हैं तो हमें बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा था कि अच्छा जाएंगे क्या है, जो भी है मतलब होता है ना जब फर्स्ट टाइम हम कहीं पर भी जाते हैं तो एक्साइटमेंट बहुत रहता है, और फिर देखते हैं। और बाकी आपको भी अपने साथ घुमाएंगे जहाँ जहाँ पे हम जाएंगे, मतलब देखिए ना कहाँ से चल के हम कहाँ पहुँच गए, बिल्कुल नहीं सोचा था कि यहाँ पे भी पहुँच जाएंगे। तो हिमाचल से आए और आते आते थोड़ा और करते करते यहाँ पे पहुँच गए। अब नहीं आने वाले तो फिर क्या हो? की वजह से वो ये सारा कांड। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को पता ही नहीं चला कब गई बोतल है। इसने अगर बोतल नहीं छोड़ी होती तो आधे घंटे तक अभी आ गए। बच्चे अपनी पानी की बोतल भूल आए थे जहाँ पे हमने शूज उतारे थे, तो फिर बार बार ये पानी मांगते हैं, इसलिए फिर पतिदेव दोबारा से लेकर के आए पानी की बोतल। और बाकी जहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है वहाँ पे मैं आपको नहीं लेके जा सकती, बाकी तो मैंने सारा बनाया है। अभी 4:30 बजे बंद हो जाएगा। हाँ जी, जल्दी जल्दी चलो। किसी ने तो नहीं खोले हैं, पर अब हमें पता नहीं था ना, चक्कर तो ये है। क्या करना अब? मुझे क्या पता था, हाँ केड़ा इधर लोग कली। अच्छा उधर को है, इधर क्या टिकट लगता है? टिकट लगता है ना? हाँ मैंने बोला था ना, ऐसे बोला था उसने मेरे को। अभी हम पहुंच गए, यहाँ से मिलती है टिकट और टिकट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो इन्होंने मेरे को बोला ना कि कैमरा ऑन कर दो, मुझे लगा कि ये बोल रहे हैं कि अपने आप को वीडियो रिकॉर्ड कर लो, है ना, तो फिर ये उस टाइम पे क्लिप बना था। बाकी फिर यहाँ पे जो टिकट मिलता है ना तो उसका वो फोटो ही फ़ोन पे वही आपको दिखाना होता है। ओ देखो ये रहा जुबा। अच्छा मेरा ज़्यादा जूम हो गया। हाँ ये एक कौन थे वो हमारे साथ है, ये मेरे पास है, पास फोन में है ना। हाँ ये भी मेरे साथ है ना, हमारे साथ है। और ये रहा अजूबा है। वाह जी वाह, क्यों भाई मिट्टू? मिट्टू अजूबा देखेगा? हाँ जी, भीड़ बहुत है आज क्योंकि संडे है ना, तो और बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट। कहाँ पे? अब मर्जी है, आगे भी चेक होगा, आगे भी चेक होगा। अच्छा हम देखो 4 बज चुके हैं, है ना, आधा घंटा लग जाएगा, पौना घंटा यहाँ घूमने में। शान मिट्टू वो देखो, यार मैं तो उधर जाऊंगी, उधर तक जाऊंगी, पूरा घूमूंगी मैं तो। और शान मिट्टू नंगे पांव मजा आ रहा है ना? बिल्कुल नहीं, नहीं मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, इन गर्मी में। हाँ जी, हम लोग यहाँ पे पहुँचे, 4 से ऊपर का टाइम हो गया था, 4:15 के आसपास का टाइम था, और 4:30 बजे फिर ये बंद हो जाता है एंट्री, मतलब अंदर के लिए। तो हम लोग बस दौड़ दौड़ के यहाँ तक पहुँचे, मैं क्या इतने दूर से आए हैं, फिर अगर अजूबा भी नहीं देखा तो रह जाएगा ना मन में कि अच्छा ये चीज़ हम इतने दूर से आए लेकिन देख नहीं पाए। वो देखो नीचे घास कितनी कितनी अच्छे से कटिंग हो रखी है, है ना, अच्छे से कटिंग हो रखी है ना। बस बस चलो चलो जल्दी, अभी बहुत टाइम लगेगा इसको घूमने में, हमें जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। डुबकी लगानी, इसको भी डुबकी लगानी है। उधर भी ऐसा ही है, असली मजा तो नीचे चलने में आएगा।
उधर किनारे किनारे में। ये तो ऐसे भागे जा रहे थे ना कि बस जल्दी से इनको ट्रेन पकड़नी है, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे इनको रोका भाई, थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो तो खींच लो इतने दूर से आए हैं। बाकी फिर अंदर का व्यू वैसे कैमरा अलाउ नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा क्लिप मैंने आपके लिए लिया है। हाँ जी, चांद में सीधे हेठा तक पुजे नहीं है कि गए सो नहीं कर सकते कर तू आराम से ले खड़ी हो जाए इधर को तेरा फोटो खींचवा से और ही रहे हैं पर भाई और रहे हैं भाई क्यों भाई थक गए आप टांगों में दर्द होगी पैरों में दर्द होगी ओहो पांव गंदे हो गए छालू पड़ गए। जम का मैं पूरा पूरा ध्यान रखती हूँ, जहाँ पर भी कैमरा अलाव भी नहीं होता ना वहाँ से भी चोरी चुपके आपके लिए क्लिप लेकर के आ जाती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे क्लिप्स ले रहे थे तभी फिर मैंने सोचा मैंने आप भी मिस करोगे इसलिए थोड़ा ये वाली फीलिंग हो जाती है ना कि हम भी वहीं पे घूम के आए हैं, तो इसलिए मैं ब्लॉग को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ती। और पता नहीं कैसे लग रहे होंगे आपको ब्लॉग, अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और बाकी कैसा लगा आज का ये ब्लॉग ये भी ज़रूर बताइएगा, तभी फिर मैं बीच बीच में ट्रैवल ब्लॉग इनको फोर्स किया करूँगी कि कभी कभी चल पड़ो जी बाहर चल पड़ो घूमने। काले हो गए भाई, कोई बात नहीं उधर जा कर के धो लेंगे, रख दो नीचे अभी दो देंगे तेरे भी हो गए। कहाँ है बर्फ का गोला ले लो। शानू मिट्टू जिद कर रहे थे कि उन्हें खाना है गोला, गोला तो नहीं खाया, लेकिन फिर इसके बाद हम गए लंगर खाने और यहाँ पे लंगर खाया। उसके बाद अभी ये देखिए शाम का टाइम हो रहा है और सनसेट बहुत ही प्यारा सा व्यू भी नज़र आ रहा है, तो मैं क्या आपके लिए कैप्चर भी कर लेती हूँ और हम चल पड़े हैं घर की तरफ, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र आज का है। सुबह मॉर्निंग से मतलब हम लोग चल पड़े थे उस टाइम से पतिदेव ड्राइव कर ही रहे हैं और अभी भी हमें घर पहुंचना है। चलिए तो फिर देखते हैं कब तक पहुंचते हैं घर। तो अभी मतलब व्यू देख के आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि कितना का टाइम हो रहा है, तो सोचिए इतने दूर हमें अभी पहुंचना है। बाकी बच्चे जिद कर रहे थे अभी ये खाना है ये लेना है, इनका बिल्कुल भी मन नहीं था कि अभी फटाफट से घर चलें, लेकिन पतिदेव कहीं भी रुक नहीं रहे थे क्योंकि वे गाड़ी तो उनको चलानी है, तो उनको पता है कि कब कहाँ पहुँचना है कैसे। तो फिर जी अभी हम चल पड़े दोबारा से घर की तरफ और रुकने का कहीं पर भी प्लान नहीं है। अभी पहुंच गए हम ना, ये बहुत थक गए हैं बाइक और यार बहुत ज्यादा थकना तो था ही, खाना नहीं खाया कहीं भी ना, बस वो जो लंगर खाया था उसके बाद कहीं नहीं लंगर। अभी रात के बज रहे हैं 11 और हम घर पहुंच गए थे 10:15 मतलब 10:30 इस तरह से 10 बजे के आसपास का टाइम था, और फिर सबको भूख भी लग रही थी तो मैंने सोचा कि फटाफट से कढ़ी चावल बनाए जाएँ, क्योंकि सफ़र के बाद ना कढ़ी चावल खाना बहुत अच्छा लगता है, तो पहले मैंने बनाई कढ़ी और उसके बाद ये चावल इस तरह से बना रही हूँ मैं, क्या जो पानी निकलेगा ना तो बच्चों को पिला देंगे क्योंकि गर्मी हो जाती है ना शरीर में जब हम सफ़र करते हैं। तो बाकी ये मैं एक अपने सब्सक्राइबर से बच्चों को ना भाई इनकी टांगों में इतनी ज़्यादा दर्द हो गई है ना बुरी तरह से, सिंगापुर नजर आ रहा है सिंगापुर में ना पंजाब था वो पंजाब का एरिया मम्मी यहाँ पर दिया पर दूध भी दर्द होती है मुझे तो मसलों में इतनी ज्यादा दर्द हो रही है जल्दी बैठ तू पीते तुम कर देती हूँ मालिश और कुछ बोलना है नहीं, सोने की तैयारी है।
मिट्टू पूछ रहा है मुझसे ना, बोला मम्मा आप किस मिट्टी से बने हो, बोला आपको नहीं है दर्द? मैंने नहीं मेरे को नहीं है दर्द। दर्द तो है पर क्या बोली, कौन लगाएगा पर मुझे तेल, कौन से लगा देगा? अब तेल लगाने के लिए तो भैया तेरी मम्मी को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जब तू अपने आपका संभाल रही हूँ, मेरा कहाँ से संभाल रही है भाई, घर का काम तू कर रही है, तेरा ये सब कुछ मेरा कहाँ से है, आपके साथ हो रखी है। अब ये तो मिट्टू को बुला रही है ना, मिट्टू को कर रही है, तो मिट्टू के लिए कौन करे, मिट्टू की मम्मा कर रही है। अब शानवी है, शानवी के लिए मालिश कौन कर रही है, शानवी की मम्मा। शादी के बाद पति होता है सब कुछ, तेरा तो मुख्य तेरा तो ऐसा नहीं होता है, माँ बाप तो हमेशा रहते हैं लाइफ भर के लिए, जब तक नहीं होती है बहू है वो उनकी करेंगी, तो बहू है अब ढंग की नहीं आ गई। मिट्टू शोर ना करो, मिट्टू ने भाई कल का सा ट्रक लेके आया हुआ वहां से ना, और ये चला चला करके इतना थका है, फिर भी पता नहीं कहाँ से इसको इतनी ज्यादा एनर्जी। शानी जी उठाइए, तेरे पास ऑप्शन है अभी की जो भी तुझे लेना है, सबसे कम जो भी लेना है, हाँ और फटाफट पी। ये देख मैं यहाँ पे देख रहे हैं सब लोग की शानी कैसे पिएगी, फटाफट पी जल्दी से खत्म कर दे। तू तो पी लेता है, तू आराम से भी पी सकता है, तेरे लिए कोई कंपल्शन नहीं है। ये ले, मैंने ज्यादा वाली पीनी थी, ज्यादा वाली है तू पी। वाओ पी ले फटाफट, शानू लेट नहीं कर, जल्दी कर जल्दी, कितनी अच्छी है, देखो कितने फास्टली पी रही है। और इसको देखो तो अपने ट्रक में डाल रहा है, इसको भी ट्रक में डाल के ऐसे को पी लूंगा। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी 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 कर, सानू इतना ड्रामा नहीं करना। मिट्ठू ने खत्म कर दी अपनी ठंडाई, ऐसे होता है फास्ट। मैं अपने देसी जो खीरे थे वो काट के ला रहा हूँ अपनी धर्म पत्नी के लिए। धर्म पत्नी क्या कर रही है? वो एडिटिंग कर रही है। मैंने कहा यार कल हम गए थे वहाँ पे उन्ना और आनंद साहिब गुरुद्वारे वगैरह में, और वो अजूबा भी देखा हमने, तो काफी ज्यादा हमको मतलब कि यार पता पूरा दिन को मैंने तो कुछ नहीं खाया था, मैं सिर्फ लंगर खाया था, ठीक है। तो सफर में इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है शरीर में ना बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा यार अभी मैं ठंडा सा खीरा लेता हूँ, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो मतलब उसको करने के लिए खीरे पड़े हुए थे। तुम भी खाओ, और मिट्टू शान भी उसको भी ला कर उसको भी देना है। नहीं नहीं सब कोई एक पीस खाना ही है, कंपलसरी है, चलो इधर आओ। हम रात को कम से कम कितने बजे पहुंचे, 10 के बजे पहुंच गए ना, 10 या 11 बजे पहुंच गए हैं। तो सुबह गए थे हम, और शाम को वहाँ पे थोड़ा बहुत काम था, जो हमारा काम था वो हमने किया, ठीक है। प्रॉपर्टी देखी हमने वहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखते हैं, करते हैं डिसाइड, मतलब अगर कैसे क्या होगा, अब एकदम तो होता नहीं है ना, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे थोड़ी की देर बीतू है, वंदना की जो सिस्टर है उसके पास भी रुके थे 10-15-20 मिनट, नहीं इतने का 8-10 मिनट, क्योंकि उनको टाइम दिया हुआ था तो हम लेट हो रहे थे। हाँ 10 मिनट रुके होंगे वहाँ पे, चाय पी थी बस। तो अभी कपड़े धोए हैं, आज ना धूप नहीं लगी हुई है, तो मौसम ना थोड़ा खराब से चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश ना हो जाए, तो अब पता नहीं कपड़े सूखेंगे भी कि नहीं सूखेंगे कल के लिए। तो ये देख सकते सूखने की समस्या हो गई है, तो ये ना धूप नहीं आज बिल्कुल, मुझे लग रहा है ठीक बारिश होने वाली है। आपको मौसम दिखा देता हूँ, सामने वाला बादल आए हुए काले काले, ये देखो यार भूख लगी पड़ी है, खाना खा लेते हैं जरा थोड़ा थोड़ा। मैं सोच रही हूँ कि कढ़ी भी बना ही लूँ। हाँ यार कढ़ी बना दे यार, रात को तो बनाई थी ना पर थोड़ी थी वो पी ली हमने ऐसे। हाँ वही दाल का कड़ी, गुड तभी ये तू खाते पीते घर की है ना। नहीं मैं बनाऊँ तो गुड है, लेकिन अगर ऐसा बोल दे कि आपने बनानी है तो क्या बोलेंगे, तभी तेरा वेट बढ़ता है। क्या बोलेंगे, नहीं नहीं हमने नहीं खानी है, हम खाएंगे ही नहीं, मैं बनाऊंगी तो। अच्छा एक बात बताओ सानू मिट्टू, इधर देखो अच्छा लगा आपको क्या हमारे साथ ट्रिप जाना? बहुत अच्छा, इंजॉय किया। शानवी शानवी बेटी इधर, अच्छा लगा, मजा आया। तो ये आती बार तो इसको एक रत्ती भर भी वॉमिटिंग नहीं हुई, और जाती बार भी एक आधी हुई थी शानू है ना, मेरे को हुई थी वो भी पानी निकला था पेट से है ना, मेरी हुई थी। और आती बार आपकी बार तो मुझे भी थोड़ी सी वॉमिटिंग हो गई थी यार। ये दोनों लोग है ना, ये खाते हैं गर्म चीजें और पानी पीते हैं कम, बस वही बात है, पानी पीते हैं ज्यादा।
और गर्म चीजें खाते हैं कम। नहीं, गर्म चीजें खा लेते हैं पर पानी हम ज्यादा पीते हैं। ठीक है, तो ठीक, चलो। इस वजह से हमारे को ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती ना। और अब ये पास हो गए हैं बच्चे मेरे ना, अब ये वर्ल्ड टूर पे जाने लायक हो गए। ठीक है, तो बोलिए बस अब शॉपिंग स्टार्ट कर दो। और बच्चों ने हमारे ने पास ले लिया है ना। ठीक है, तो बना कड़ी बना रहा, जल्दी करते हैं। भूख लगी,